हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। इसके बाद आए हरियाणा के ज्यादातर एग्जिट पोल में यह संभावना जताई गई कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। ऐसे में हरियाणा में सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन इस रेस में कई और नाम भी शामिल हैं जिन्होंने पहले से ही सीएम बनने की इच्छा जताई थी। हालांकि उस समय इन्होंने आखिरी फैसला हाईकमान पर छोड़ा था, लेकिन अब जब एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है तो इनके अंदर भी सीएम की कुर्सी का मुंह जाग गया है। हरियाणा के लोगों ने राज्य में मौजूदा सरकार को बदलने और कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए अपनी मुहर लगा दी है। यह बात हरियाणा को लेकर आए ताजा एग्जिट पोल कह रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम बनने की रेस में सबसे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देखा जा रहा है। दो बार सीएम रह चुके भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में पार्टी की अगुवाई करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि यह पार्टी हाईकमान तय करेगा। वहीं दूसरे नंबर पर कुमारी शैलजा आती हैं। हुड्डा की धुर विरोधी कुमारी शैलजा को भी सीएम पद के लिए दावेदार माना जा रहा है। एक प्रमुख दलित चेहरा होने के अलावा वह गांधी परिवार के साथ अपनी निकटता के लिए भी काफी मशहूर है। वोटिंग के समय मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा था कि सभी की इच्छा होती है, यानी कि कहीं न कहीं उनके अंदर भी सीएम बनने की इच्छा है। आजकल हर प्रदेश में ये मांग होता है कि महिलाओं को मौका मिले मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। ये एक एक पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये महिलाओं के बीच से ये साउंड आती है। ये एस्पिरेशन है, एक उम्मीद है, इच्छा है लोगों की और महिलाओं की, और मैं तो समझती हूँ पूरे समाज की, सब तरफ की। हम इतना दूर आए हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो महिलाओं को हर क्षेत्र में, चाहे राजनीति है या किसी भी क्षेत्र में, महिलाओं को आगे आने का आज एक माहौल देश में जो शुरू हुआ, जैसे राजीव जी पंचायती राज सिस्टम लेकर आए, उसके तहत बहुत सी महिलाएं आगे आई हैं और हम देख रहे हैं कि महिलाओं का नेतृत्व भी बढ़ रहा है, तो इच्छा होती है। वहीं इसके बाद सीएम पद की रेस में एक नाम की चर्चा हो रही है, वो है दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि अगर सीनियर हुड्डा सीएम की दौड़ से किसी वजह से बाहर हो जाते हैं तो उनके बेटे रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा सीएम की कुर्सी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में माने जा रहे हैं। यूथ के बीच दीपेंद्र हुड्डा की काफी अच्छी पकड़ है और यही वजह रही कि जब विनेश फोगाट ओलंपिक से भारत लौटने और उन्हें कांग्रेस में शामिल करवाने तक उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, कई आंदोलन में भी दीपेंद्र हुड्डा पार्टी का प्रतिनिधित्व करते दिखे, लिहाजा उन्हें भी सीएम की रेस में शामिल माना जा रहा है। इसके साथ ही इस रेस में रणदीप सिंह सुरजेवाला और उदय भान का नाम भी सामने आ रहा है। कुल मिलाकर अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो यहां सीएम को लेकर भी तकरार देखने को मिल सकती है। हालांकि फिलहाल हर किसी ने अंतिम फैसला आला कमान पर छोड़ने की बात कही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।